गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 1 मोर अबाउट कंप्यूटर्स। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, पहला था अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, जैसा कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर हम लोग ये भी पढ़े थे अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, माइक्रो कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशंस, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ ए कंप्यूटर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ए कंप्यूटर। एडवांटेजेस ऑफ ए कंप्यूटर से हम लोग क्या समझते हैं, कंप्यूटर का क्या क्या लाभ होता है, हम लोग आज समझते हैं। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी रिपीटेटिव वर्क एंड कैलकुलेशन रैपिडली एंड एक्यूरेटली। कंप्यूटर क्या करता है, प्रदर्शन करता है लगातार काम और गणना करता है, तेजी से करता है और सही से करता है। एक ही काम को वो लगातार कर सकता है और बार बार कर सकता है, चाहे वो कैलकुलेशन का काम हो, गणना करने का, या लेटर टाइपिंग का हो, या और भी बहुत सारा काम को लगातार कर सकता है, बार बार कर सकता है। कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर सब्सिक्वेंट मैनिपुलेशन। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत ही लंबा मात्रा में डेटा को जमा करके रख सकता है और सूचना को बाद में फिर उसमें हेरफेर करने के लिए। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन होल्ड ए प्रोग्राम विच कैन बी एक्सप्लोर्ड इन डिफरेंट वेज। कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है क्या करता है, पकड़ के रखता है प्रोग्राम को, जो कि पता लगाया जा सकता है विभिन्न तरीके से। कंप्यूटर कैन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारा डिसीजन लेता है डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि लॉजिकल टेस्ट के आधार पर, जिसमें एक कंडीशन ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। अगर सही होगा तो आगे कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, नहीं तो स्टॉप करके दूसरा वाला प्रोसेस को करेगा। द कंप्यूटर कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। कंप्यूटर क्या करता है, प्रदर्शन करता है जानकारी उपयोगकर्ता को। इफ़ एन एरर ऑकर्स इन द प्रोग्राम फाइल, कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट दीज एरर्स एंड अलाउ द यूज़र टू करेक्ट देम। अगर किसी तरह का गलती हो जाती है प्रोग्राम फाइल में तो कंप्यूटर क्या करेगा, खुद से उसे पता लगाता है उस गलती को और यूज़र को के द्वारा सही कर लिया जाता है। जैसे कि एमएस वर्ड में कुछ गलती हो गया, टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देता है कि यहाँ पर एरर है और फिर उसको यूज़र द्वारा सही कर लिया जाता है। द कंप्यूटर कैन ड्रॉ एंड प्रिंट ग्राफिक्स। कंप्यूटर के द्वारा हम लोग विभिन्न तरह का ग्राफिक्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं और उसका प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं। द कंप्यूटर कैन कन्वर्स विथ यूजर्स थ्रू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर क्या करता है, यूजर के साथ बातचीत को समझता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। इनपुट डिवाइसेस जैसे हो गया कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और आउटपुट डिवाइसेस हो गए प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गए, इसके द्वारा
इन दोनों चीज़ों को मिला के यूजर से इंट्रैक्ट होता है। अब हम लोग एडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर समझ चुके हैं, अब हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर समझते हैं। अ कंप्यूटर हैज़ नो ब्रेन और इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। एक कंप्यूटर का खुद का दिमाग और बुद्धिमत्ता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसे यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इट कैनॉट लर्न विथ एक्सपीरियंस, ये अनुभव के साथ नहीं सीख सकता, जैसा कि हम लोग अनुभव के साथ सीखते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकता। इट ओनली परफॉर्म्स ऑपरेशन एज इंस्ट्रक्टेड बाय द यूज़र, यह केवल यूज़र द्वारा निर्देशों को पूरा करता है। जैसा कि हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी को ये फॉलो करता है। इसके पास कोई सामान्य ज्ञान नहीं होता है। इट हैज़ नो कॉमन सेंस ड्यू टू व्हिच इट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस ओनली एज लॉन्ग एज यूजर नीड्स। इसके पास सामान्य ज्ञान नहीं होता है जिसके कारण यह सिर्फ केवल हम लोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है जब तक हम लोग चाहते हैं। इट अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शंस नो मैटर दे आर राइट और रॉन्ग, ये सिर्फ हम लोग के द्वारा दिए गए निर्देशों को समझता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह सही है या गलत है। आज हम लोग कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ें। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर उसके सब यूनिट्स क्या हैं, फिर कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे।